हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं जब भी पार्टी और या शादी में जाती हूँ तो कैसे मैं अपना मेकअपवर करती हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। तो मैंने सबसे पहले अपना फेस को धो लिया है साबुन से, और धोने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा फेस अभी सूख गया है। और फिर मैं ना अभी पॉन्स का जो क्रीम है वही मैं लगा रही हूँ, और हमेशा यही मैं यूज करती हूँ पॉन्स क्रीम। घर में भी और कहीं आती जाती हूँ फिर भी यही मैं यूज करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बूंद बूंद करके लगा लिया है, और फिर अभी गर्दन में भी मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ क्योंकि अच्छा रहता है कि फेस और गर्दन एक ही दिखेगा तो अच्छा लगता है इस तरह से देखने में। तो अभी देखिए मैंने गर्दन में भी लगा ले रही हूँ, और फिर ना मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ क्योंकि अगर अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो वाइट वाइट दिख ही जाएगा, इसलिए मैं अच्छे से इसको मिला रही हूँ। उसके बाद मैं ना यूज करूँगी लैक्मी का ये फेस क्रीम है। तो मैं ना यहाँ पे स्क्रीन में दिखाने के लिए भूल गई थी क्योंकि यहाँ पे आरोही ना हमको तंग कर रही थी, इसलिए मैं आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा सा भूल गई, इसलिए आई एम सॉरी। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगा दी थी, वही मैं लैक्मी का ही यूज करती हूँ। और मैं ना सबसे पहले डार्क सर्कल मेरे हल्के हैं ना, इसलिए मैं अपने डार्क सर्कल के नीचे डाल लेती हूँ क्योंकि ये दिखेगा नहीं। और अपने फेस पे हल्का सा मैं लगाई हूँ, और गर्दन पे भी लगा ली हूँ, मिक्स करके लगाई थी। और यहाँ पे देखिए मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो ये जो लिपस्टिक है ना, ये काफ़ी महंगा नहीं है, बस सस्ता ही है। ये कुछ दिन पहले मैं ली थी यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि मैं तो गाँव में लगाती नहीं हूँ, तो बस हल्का सा मैं लिपस्टिक लगा ले रही हूँ। और यहाँ पर देखिए फिर मेरे आईब्रो पेंसिल मैं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे जो आईब्रो है ना वो हल्के दिखते नहीं है, घना नहीं है, बस है मोटे ही है लेकिन घना नहीं है, इसलिए मैं हल्का सा एकदम यूज करती हूँ। इस टाइप से हल्का सा यूज करने से अच्छा दिखता है। तो अब आई मेरी बिंदी का पारी। तो यहाँ पे देखिए मैं बिंदी सबसे पहले लगा लेती हूँ क्योंकि बिंदी नहीं लगाने से फेस खिलता नहीं है। और ऐसे तो आप मेरा वीडियो में देखते ही होंगे कि मैं अक्सर बिंदी लगाती नहीं हूँ। और फिर ये मैं एयरिंग जो है वो उसको मैं चेंज कर लेती हूँ। मेरे पास सोने का झुमका भी है लेकिन मैं उसको यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा जो तो ना जो मेरे कान के छेदे हैं ना वो छोटे हैं, और जो सोने वाला है ना झुमका वो थोड़ा मोटा है, इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरे कान में ना जख्म हो जाती है। और एक बार तो मेरा खून भी निकल रहा था, तब से मैं इस कान को मतलब झुमके को यूज नहीं करती हूँ। जो यही है ये गोल्डन वाला, जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस में ये मिला है। आप लोगों को पता है ये सस्ते नहीं है, ये महंगा है, 700 का इयररिंग्स है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। और फिर ना मैं अपने बालों को कंघी कर लेती हूँ, और मेरा बालों का कंघी करना ना बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि छोटे बाल है ना, तो मैं तुरंत ही हो जाती है। तो यहाँ पर मैं ना इस कंघी से अपना बीच मांग कर लेती हूँ और सिंदूर फिर मैं लगा लेती हूँ। तो ये हर सुहागन के लिए ना सिंदूर बहुत ही अहम है क्योंकि हर सुहागन को जरूरी रहता है सिंदूर लगाना। तो अभी देखिए मैं सिंदूर भी लगा लेती हूँ, और मैं ना अक्सर ये येलो कलर का ही सिंदूर लगाती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ही पसंद है येलो कलर का लगाने से, क्योंकि फेस ना और भी खिलने लगता है। जब मैं रेड लगाती हूँ तो उतना फेस नहीं खिलता, जो कि आप लोग देख ही चुके होंगे। और यहाँ देखिए मैंने बिंदी पर भी लगा लिया, गर्दन में भी लगा लिया, कान में भी टीका लगाया। तो इस तरह से ना मेरी नानी माँ बोलती है कि इस तरह से सिंदूर जब भी लगाओगे तो इस तरह से लगाया जाता है। तो मुझे पहले ना पता भी नहीं था, नानी मैं जब से बताई तब से मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ना मैं थोड़ा सा पॉप यहाँ पे बना लेती हूँ हल्का सा, ये मेरा हल्का सा पॉप यहाँ पे बनता है। और मैं ऐसे दूसरी तरफ से बीच मांग करके भी झाड़ती हूँ, लेकिन देखिए आज इस तरह से ना बाल झाड़ रही हूँ ना तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं बस दो ही क्लिप का यूज करती हूँ, मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं लगाती हूँ, बस दो ही क्लिप लगाती हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पे पॉप भी बन गया है। तो मैं ना बहुत तरह के आजकल आते हैं ना जो लिक्विड वाला सिंदूर, वो भी लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे ना वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं सूखा वाला जो रहता है ना मैं उसी से अपना सिंदूर लगाती हूँ। और ना मैं हाफ बाल करके यहाँ पे पीछे मैं लगा लूँगी कलेक्चर,
ये बड़ा वाला जो कि मैं शादी के टाइम ली थी, वरना वही वाला मेरा है तो उसी को मैं यूज करती हूँ। और मैं ना गले में भी कुछ नहीं पहनती, बस मेरा जो सोना वाला है पतला सा वही मैं पहनती हूँ, और कुछ मैं अपना फेस में कुछ भी नहीं फिर लगाई। और फिर ना यहाँ पे देखिए मैंने बैनल्स भी पहनी है, जो कि ये साड़ी में ना बहुत ही अच्छे खूबसूरत लग रहे थे। और ना मैं इसलिए मैं दिखाई नहीं ना, क्योंकि लाइट कट गई थी तो हमको लगा कि अब लाइट आएगा नहीं तो फिर हम लोग का भी लेट हो जाएगा, इसलिए मैं बैनल्स पहन ली। और ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना बैनल्स। और थोड़े से ना मैं यहाँ पे हल्का सा बाल झाड़ ले रही हूँ आगे करके, और ये इस तरह से ना हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक, मैं कैसे लग रही हूँ नीचे से ऊपर, अच्छी लग रही हूँ कि नहीं ये देखिए। और ये चूड़ी है ना, ये काफ़ी मैच कर रहा है इस साड़ी में बहुत ही अच्छा, जो कि मैं पिछला वीडियो में आप लोग को दिखाई हूँ, इसी वर्ष मैं ली हूँ इस चूड़ी को, तो इस साड़ी में ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखिए बस थोड़ा सा यहाँ पे जो आगे मेरा ये है ना साड़ी का नीचे, तो वो थोड़ा सा बन जाएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेकओवर आप लोग कैसा लगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, जो मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आज का मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा। और मिलती हूँ अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं यूट्यूब फैमिली